वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र जारी किया, जिसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। संकल्प पत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमलेबाजी करार दिया, जिसको लेकर आज पत्रकारों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से सवाल किया बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर। साथ ही विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी जब चिराग पासवान से मीडिया ने बातचीत की तो इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। आप इस वीडियो में सुनिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। हमारे प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी के इसको पूरा करने की गारंटी है। यही बोलते रहिएगा तो हम निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई, वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हिंदी गठबंधन की नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना, यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक है इन लोगों के देश भर में या कितने सांसद है इन लोगों के देश भर में? तो जिस तरीके से ये लोग भारत की संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता, आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाता। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी का होना ही पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। किसी और प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर सके। किसी और प्रधानमंत्री में इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा सके, वो नारी शक्ति अधिनियम को लागू करवा सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सब किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के गारंटी से लोगों की उम्मीद बढ़ी है। अभी जो ये संकल्प पत्र जारी हुआ है, ये विश्वास है कि अगले 5 सालों में इसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।